शर्मा, आज से मैं आपके लिए भारतीय संविधान की क्लासेस लेके आ रहा हूँ। आज से हम भारतीय संविधान के बारे में बारीकियों से अध्ययन करेंगे। अब हम संविधान के बारे में डिस्कस करते हैं। संविधान संविधान अब संविधान के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कि इसके अंदर क्या करते हैं, हम इसको कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे संवैधानिक विकास। संवैधानिक विकास दूसरे भाग में हम डिस्कस करेंगे इसमें इसका निर्माण, इसका निर्माण प्लस इसमें कितने भाग होते हैं प्लस इसमें अनुसूचियों के बारे में। फिर तीसरे पोर्शन में हम बात करेंगे राजनीतिक व्यवस्था व्यवस्था और शासन व्यवस्था। शासन व्यवस्था हम डिस्कस करेंगे राजनीतिक व्यवस्था के बारे में। राजनीतिक व्यवस्था में हम इसको दो कैटेगरी में तोड़ते हैं। पहली कैटेगरी होगी जिसे सरकार। अब सरकार है, सरकार कितने प्रकार की होती है, जैसे होगी एक तो पहली संघ सरकार, संघ सरकार। दूसरी होगी इसमें राज्य सरकार प्लस स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार हम इसको कैटेगरी में कर देंगे कि जैसे इसको फोर्थ नंबर डाल दूं, इसको मैंने फिफ्थ नंबर डाल दिया। अब सिक्स्थ नंबर पे हम पढ़ेंगे इसमें महत्वपूर्ण आयोग, या बोल सकता हूं लोकनीति। लोकनीति सेवेंथ नंबर पे हम इसमें डिस्कस करेंगे संविधान की विशेषताएं। संविधान की विशेषताएं मैंने संविधान को सेवन पार्ट्स में डिवाइड किया है क्योंकि सबसे पहले अपन इसमें ये बात डिस्कस करेंगे कि जैसे संविधान का विकास है किस तरीके से हुआ है, उसका निर्माण में कौन कौन से देशों से अपन ने संविधान की महत्वपूर्ण बातें लिए है, इसमें कितने भाग है, कितनी अनुसूचियां है, और उसके बाद में अपन डिस्कस करेंगे राजनीतिक शासन व्यवस्था। राजनीतिक व्यवस्था और शासन व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था में कौन आती है, सरकार आती है, सरकार कितने प्रकार की होती है, संघ सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार। उसके बाद में जो इसके अंदर महत्वपूर्ण आयोग गठित हुए थे संविधान निर्माण की प्रक्रिया में या संविधान संशोधन के तहत, वो सब अपन डिस्कस करेंगे आयोग के अंदर। और फिर बाद में हमने सातवें नंबर के पॉइंट पर डिस्कस करेंगे संविधान की विशेषताएं, क्योंकि अपन सारे छह पॉइंट पढ़ने के बाद में इनके जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो वापिस अपन संविधान की विशेषता में वापिस रिविजन के तौर पर डिस्कस हो जाए। अब हम डिस्कस करते हैं पहले संविधान के बारे में। अब ये संविधान क्या होता है, किसी देश की शासन व्यवस्था, किसी देश की शासन व्यवस्था, शासन व्यवस्था का संचालन करने वाले, शासन व्यवस्था का संचालन करने वाले नियमों व कानूनों का, नियमों व कानूनों का संग्रह होता है। नियमों और कानूनों का संग्रह होता है संविधान, किसी भी देश की शासन व्यवस्था का संचालन करने वाले नियमों और कानूनों का संग्रह होता है, इसे हम कहते हैं संविधान। जैसे कोई गाड़ी मान ली मैंने, अब गाड़ी में जैसे फ्यूल की जरूरत होती है अपन को, फ्यूल की, ईंधन की जरूरत होती है। अब ईंधन का काम क्या करता है इसमें, संविधान। ईंधन का काम क्या करता है, संविधान। और ये गाड़ी अगर इसमें अपने फ्यूल की पूर्ति कर दी संविधान के थ्रू, अब इसको चलाने के लिए कोई चालक होता है या ड्राइवर होगा, चालक होगा ड्राइवर होगा, उसको हम बोलते हैं सरकार। तो यही मैंने इसमें बोला, संविधान किसी भी देश की शासन व्यवस्था का संचालन, नियमों और कानूनों का जो संग्रह होता है, संचालन करने के लिए नियमों और कानूनों का जो संग्रह होता है उसे हम क्या कहते हैं, संविधान। अब हम शुरुआत करते हैं सरकार। सरकार के अपने कितने अंग होते हैं, तीन अंग होते हैं। सरकार के तीन अंग कौन कौन से होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। अब कार्यपालिका के अंदर अगर हम बात करें संघ सरकार के बारे में, संघ सरकार में कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन से चीजें अपन एडिशन करते हैं, जैसे उसमें क्या आता है, संघ सरकार के अंदर कार्यपालिका के अंदर राष्ट्रपति आता है, प्रधानमंत्री आता है और प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद आती है। उसी तरीके से हम राज्य सरकार के बारे में बात करते हैं, कार्यपालिका के अंतर्गत राज्यपाल आता है, मुख्यमंत्री आता है और मंत्रिपरिषद आता है। अब कार्यपालिका का कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है प्रशासनिक कार्य। क्या होता है, प्रशासनिक कार्य, प्रशासनिक कार्य। ये किसका काम होता है, कार्यपालिका।
प्रकार से हम सेकंड नंबर के पॉइंट पर आते हैं, सरकार का दूसरे अंग के ऊपर व्यवस्थापिका का कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है विधायी कार्य। विधायी कार्य, अब विधायी कार्य है तो व्यवस्थापिका के अंदर क्या आता है, अपना संसद आती है। संसद किन चीजों से मिलकर बनी होती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से। उसी प्रकार राज्य सरकार में क्या होती है, व्यवस्थापिका के अंदर विधानमंडल, विधानमंडल किन चीजों से मिलकर बनी होती है, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। अब विधान परिषद ये जरूरी नहीं है कि ये होता है ऐच्छिक, जरूरी नहीं कि हर राज्य में हो, ये होता है ऐच्छिक। अब इसका काम क्या होता है, कानूनों का निर्माण करना, कानूनों का निर्माण करना, इसका काम होता है कानूनों का निर्माण करना, किसका काम होता है, व्यवस्थापिका का। और कानूनों को लागू करने का काम किसका होता है, कानूनों को लागू करने का, लागू करने का काम किसका होता है, कार्यपालिका का। अब इसी तरह हम सरकार के तीसरे अंग की तरफ बढ़ते हैं तो न्यायपालिका का काम क्या होता है, इसका होता है न्यायिक कार्य, न्यायिक कार्य। अब इसका काम क्या होगा, कानूनों की जांच करना, कानूनों की जांच करना, कानूनों की जांच करना। अब न्यायपालिका के अंदर सरकार, संघ सरकार के अंतर्गत आता है सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। अब राज्य सरकार के अंदर क्या आता है, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। अब मैं बात करता हूँ कि जैसे हमने राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, मंत्री परिषद है, आर्टिकल, ये तीनों चीजें किसके अंतर्गत आती है, आर्टिकल 52 से लेके आर्टिकल 78 तक। आर्टिकल को अपन हिंदी में अनुच्छेद भी बोलते हैं। इसी प्रकार ये आती है संसद, जो संसद के अंदर लोकसभा को, राज्यसभा को, राष्ट्रपति हो गया, ये आती है अपनी 79 से लेके 123 तक। और अपना सुप्रीम कोर्ट आता है 124 से लेके 147 तक, आर्टिकल 124 से लेके 147 के बीच में सर्वोच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। अब बात करते हैं हम राज्य सरकार के बारे में, राज्य सरकार के बारे में हमारा क्या है कि आर्टिकल 153 से लेके 167 के बीच, ये किसमें डिस्कस करेंगे, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के बारे में 153 से 167 के बीच में। अब इसी तरीके से विधानमंडल में विधान सभा, विधान परिषद और राज्यपाल, ये हो गई अपना 168 से लेके 213 के बीच में। उसी प्रकार उच्च न्यायालय के, हाईकोर्ट के बारे में 214 से लेके 231 आर्टिकल के मध्य में, इसके बारे में अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ये थोड़ा बेसिक नॉलेज के बारे में बता रहा हूँ क्योंकि अभी तो इनके बारे में बारी बारी से अपन डिस्कस करेंगे, राष्ट्रपति का क्या क्या कार्य होता है, क्या क्या इसकी शक्तियां होती है, इसमें डिस्कस करते हैं। जैसे सरकार होती है, सरकार अपनी क्या होती है, किसी शासन व्यवस्था को चलाने का काम करती है, शासन व्यवस्था को चलाने का काम कौन करती है, सरकार। अब हमने सरकार के तीनों अंगों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, सरकार का क्या काम होता है, सरकार के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, ये सारी बातें अपन डिस्कस कर चुके हैं। अब हम इससे थोड़ा आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। मैं ये क्वेश्चन करता हूँ, भारत में कौन सी शासन व्यवस्था है। अब मैं आपसे ये क्वेश्चन कर रहा हूँ, भारत में कौन सी शासन व्यवस्था है, लोकतंत्र है या संसदीय है, या इसको संसदात्मक बोलते हैं या संघात्मक बोलते हैं। अब मैं कहता हूं कि भारत में किसका शासन है, जनता का या विधि का, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, इसके अंदर सब शामिल होते हैं, जनता भी शामिल होती है इसमें, कानून भी शामिल होते हैं, सरकार भी शामिल होती है। तो क्या होता है कि अपनी जो जनता होती है उसका इसके अंदर क्या होती है, भागीदारी होती है लोकतंत्र के अंदर। अगर लोकतंत्र के अंदर जनता की भागीदारी होती है तो उसको हम बोलते हैं लोकतंत्र। पर हमारे लोकतंत्र है उसको चलाने के लिए भी कोई शासन व्यवस्था होती है। शासन व्यवस्था किसके आधार पर काम करती है, कानूनों और संविधान के हिसाब से, कानूनों, नियमों और संविधान के हिसाब से। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे यहाँ किसकी व्यवस्था है, विधि व्यवस्था है, क्योंकि इनको इनको रेगुलेट करने का काम कौन करती है, विधि काम करती है पूरे लोकतंत्र को। अब दूसरी तरीके से मैं बात करूं अपनी संसदीय या संसदात्मक शासन प्रणाली है, इसके बारे में मैं बात करता हूँ। अंदर अपने डिस्कस किया था, इससे पहले अपने डिस्कस किया था संसद किसके अंदर आ रही थी, अपनी व्यवस्थापिका के अंदर है। अब व्यवस्थापिका के अंदर आ रही थी तो व्यवस्थापिका के अंदर अपन ने तीन चीजें पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, संसद के अंदर, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, ये तीनों चीजें अपन ने पढ़ी थी। उसी तरीके से कार्यपालिका भी अपन ने पढ़ चुके, कार्यपालिका में अपन ने पढ़ा था राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद।
राष्ट्रपति अपने क्या आ रहा है, व्यवस्थापिका के अंदर भी आ रहा है और कार्यपालिका के अंदर भी आ रहा है। तो कार्यपालिका अपना किसका काम करती है, कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है, व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, क्योंकि व्यवस्थापिका का क्या काम था, कानूनों का निर्माण करना, कानूनों का निर्माण करना, यह अपने पहले पढ़ चुके। और राष्ट्रपति अपना क्या होता है, कार्यपालिका के अंदर अंतर्गत भी आता है, तो इसलिए हम कहते हैं कि व्यवस्थापिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है, व्यवस्थापिका के प्रति कौन उत्तरदायी होता है, अपनी कार्यपालिका उत्तरदायी होती है। अब संघात्मक शासन प्रणाली की बात करता हूं, संघात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत मैं बात करूंगा कि जैसे कोई संविधान है अपना, संविधान है, संविधान क्या करता है कि अपन में भारत के अंदर क्या है, संविधान संघ सरकार को और राज्य सरकार को, राज्य सरकार को, संविधान अपनी संघ सरकार और राज्य सरकार दोनों के बीच में क्या करता है, शक्तियों का विभाजन करता है, शक्तियों का विभाजन करता है, इसलिए क्या बोलते हैं उसको, संघात्मक शासन प्रणाली। अगर शक्तियों का विभाजन नहीं करेगा तो यह क्या प्रणाली, कौन सी प्रणाली कहलाएगी, एकात्मक शासन प्रणाली कहलाएगी, एकात्मक शासन प्रणाली। अगर संविधान संघ सरकार और राज्य सरकार दोनों में शक्तियों का विभाजन नहीं करता है तो वो क्या कहलाता है, अपनी एकात्मक शासन प्रणाली। अब एकात्मक शासन प्रणाली में क्या करता है, जो संविधान होता है, संविधान होता है वो क्या, संघ सरकार को शक्ति प्रदान करता है और संघ सरकार क्या करती है, अपने हिसाब से राज्य सरकार को शक्तियों का बंटवारा करती है, राज्य सरकारों की शक्तियों का बंटवारा करती है। इसलिए यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ कौन होगा, संविधान, संविधान के बाद में कौन होगी, संघ सरकार, संघ सरकार ही खुद के अंदर से शक्तियों को विभाजन कर दिए राज्य सरकारों के अंतर्गत, इसलिए इसको हम बोलते हैं एकात्मक शासन प्रणाली। अब व्यवस्थापिका के अंदर अपन ने कह दिया कि कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है, तो इसमें क्या है, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के दोनों के बीच में पारस्परिक संबंध मौजूद है। यहाँ अभी तक हमने पढ़ चुके कि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में, कैसे कैसे अपना संविधान में जो जो अपने पार्ट डिवाइड किए थे, संवैधानिक विकास हो गया अपना, इसकी शासन व्यवस्था होगी, राजनीतिक शासन व्यवस्था होगी, या फिर शासन व्यवस्था के बारे में अपन डिस्कस कर लिए, इसमें राजनीतिक शासन व्यवस्था में संघ सरकार हो गई, राज्य सरकार हो गई, ये अपन डिस्कस कर चुके। अब इसके बाद में अपन आयोग के बारे में बोला था, आयोग भी गठित होते हैं इसके अंदर, आयोग गठित होने के बाद में इसमें अपन ने डिस्कस कर लिया कि संविधान की विशेषता है, ये सारी चीजें। फिर अपन ने क्या कर दिया, जो सरकार होती है उसके अंग पढ़ चुके, सरकार के तीन अंग हो गए, कार्यपालिका हो गई अपने, व्यवस्थापिका हो गई और न्यायपालिका होगी, इनके अपन ने कार्य देख लिए कि व्यवस्थापिका के अंदर कौन कौन आते हैं, कार्यपालिका के अंदर कौन कौन आते हैं, संघ सरकार और राज्य सरकार के अंतर्गत। फिर मैंने बताया कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका बीच में क्या संबंध है और उसकी विभिन्न विभिन्न शासन व्यवस्थाओं के आधार पर अपन ने क्या कर ली, अलग अलग शासन व्यवस्था प्रणाली पढ़ ली। अब अपनी प्रस्तावना के अंदर मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि अपनी प्रस्तावना के अंदर केवल जो अपन ने तीन शासन प्रणाली पढ़ी थी, कौन कौन सी, लोकतंत्र, संसदीय और संघात्मक शासन प्रणाली, इन तीनों शासन प्रणालियों में जो प्रस्तावना के अंदर उल्लेख मिलता है ओनली फॉर लोकतंत्र के बारे में मिलता है, पर कभी कभी क्वेश्चन घूम के आता है, इसलिए मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा था कि भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है, लोकतंत्र भी है, संसदीय भी है, संघात्मक शासन प्रणाली भी है। तो आज हम आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही डिस्कस करेंगे, इससे आगे का पोर्शन हम कल के वीडियो में लेके आएंगे। धन्यवाद दोस्तों।